आखिर क्यों फेल हुई माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां? जब भी आप मोबाइल फोन के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि भारत में चाइनीज कंपनियां जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी आदि कंपनियों ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या भारतीय कंपनियों ने अब तक कुछ नहीं किया या कोई भी इनके टक्कर का फोन नहीं बनाया, या फिर भारतीय फोन भारत में क्यों नहीं दिखते, या इन्हें लोग क्यों नहीं चाहते, या भारतीय फोन बाजार में क्यों नहीं आते। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले 2014 के आसपास माइक्रोमैक्स भारत की नंबर वन मोबाइल निर्माता कंपनी थी, तो वहीं लावा और कार्बन भी कुछ हिस्सेदारी के साथ बाजार में बने हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्या रिलायंस जियो भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के पतन का बड़ा कारण था, या मोदी जी की मेक इन इंडिया स्कीम ने सभी भारतीय मोबाइल फोन कंपनियों का कारोबार बंद कर दिया? आइए जानते हैं माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी भारतीय स्मार्टफोन के फेल होने के सात बड़े कारण हैं। दोस्तों, एक समय था जब माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली इंडियन कंपनियों की मार्केट में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। उस समय भारतीय फोन जैसे माइक्रोमैक्स के कुछ फीचर, फोन की बैटरी इतनी अच्छी होती थी कि कुछ फोन तो एक बार चार्ज करने के बाद 20 दिन तक चल जाते थे। लेकिन माइक्रोमैक्स ने उस समय तक 2G और 3G फोन ही उतारे थे। वहीं इन कंपनियों ने कई स्मार्टफोन और टैब्स भी भारत में लॉन्च कर दिए थे। आप सभी माइक्रोमैक्स की कैनवास सीरीज और लावा के एक सोनू फोन तथा YOU के यूरेका फोन के बारे में तो जरूर जानते होंगे। यदि सभी फोन भारतीय थे और इन्हें लोगों ने काफी पसंद भी किया था, लेकिन जियो के मार्केट में आने के बाद यह पूरा खेल ही बदल गया। रिलायंस जियो का आगमन, जब भारत में जियो सिम का आगमन हुआ और इसकी सभी 4G सर्विस को कुछ महीनों के लिए फ्री कर दिया गया, तो ऐसे में लोग उस समय 1 GB इंटरनेट डाटा के लिए 150 से 200 रुपए दिया करते थे। लेकिन लोगों को जियो यह डाटा और इससे कई गुना ज्यादा डाटा मुफ्त में दे रही थी। लेकिन रिलायंस जियो 2G और 3G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती थी, इसके लिए आपको 4G फोन चाहिए था। तो सभी ग्राहकों ने मार्केट में 4G फोन को तलाशना शुरू किया, लेकिन भारतीय कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स ने कोई भी 4G फोन लॉन्च नहीं किया था और न ही वे 4G के लिए तैयार थे। उन्हें लगता था कि भारत में 4G साल 2018 तक आएगा और उन्हें उस समय भारत में 4G कनेक्टिविटी के आने की कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय तक Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसी चाइनीज कंपनियां भारतीय मार्केट में कदम रख चुकी थी और वह 4G के लिए भी तैयार बैठे थे और उन्होंने 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च भी कर दिए थे। ऐसे में लोगों ने इन कंपनियों के फोन को लेना शुरू कर दिया। बात करें माइक्रोमैक्स की और दूसरी भारतीय कंपनियों की, तो उन्होंने पहले ही इतने सारे 3G फोन बना दिए थे कि उनके पास 4G स्मार्टफोन बनाने का बजट ही नहीं था। वे पहले ही 3G फोन पर खर्च कर चुके थे और जब तक वे कोई बड़ा कदम उठाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। केवल पैसा कमाना था मकसद। माइक्रोमैक्स और अधिकांश भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से ही मार्केट में आए थे और 20-30% लाभ कमा रहे थे। परंतु चाइनीज कंपनियां भारत में कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट देने के मकसद से आई थी, इसलिए उन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ लोगों को अपने फोन से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5% लाभ मार्जिन पर मार्केट में कदम रखा और आज भी इतना ही लाभ कमा रहे हैं। कुछ नया नहीं किया, भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों ने मार्केट में वापसी करने के लिए कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं समझी, जिससे वे चीनी कंपनियों के टक्कर दे पाते। ना ही उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने ब्रांड को अच्छा बनाने का काम किया। वे चाहते तो रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करके अपने फोन को और ज्यादा फीचर्स और सॉफ्टवेयर के साथ दोबारा वापसी करा सकते थे, परंतु इन कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। कम क्वालिटी वाले मोबाइल फोन माइक्रोमैक्स और कई इंडियन स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ इसलिए अब तक मार्केट में थी क्योंकि वे सस्ते फोन बेचती थी जिसकी क्वालिटी काफी लो होती थी। लेकिन जैसे ही चाइनीज कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो और Xiaomi तथा OnePlus ने कम कीमत में अच्छी क्वालिटी अपने ग्राहकों तक पहुंचाई, तो भारतीय कंपनियों के फोन बिकने बंद हो गए और उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में चीनी मोबाइल से ज्यादा कीमत में अपने फोन को लॉन्च किया और इनमें कई फीचर्स की कमी और क्वालिटी भी खराब होने के कारण लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया। मेक इन इंडिया का आना। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी चाइनीज कंपनियों ने भारत में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट लगाए और चीन से सामान लाकर भारत में असेंबल करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पूरे फोन का नहीं बल्कि केवल उसके पार्ट्स का ही टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च देना पड़ा। परंतु भारतीय कंपनियां अब भी चीन में ही सब कुछ कर रही थी। उन्होंने मेक इन इंडिया को कभी समझा ही नहीं, इसलिए हम सरकार द्वारा की गई मेक इन इंडिया की पहल को दोष नहीं दे सकते। ई कॉमर्स
ऑफर्स और फ्लैश सेल। सभी चीनी कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के जरिए अपने मोबाइल फोन बेचने के बजाय ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अपनी सेल निकाल कर ही फोन बेच डाले, जिससे उनके डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च बच गया और उन्होंने इस खर्च की बचत तोहफा अपने ग्राहकों को फोन का कम दाम करके दिया, जिससे लोगों को उनके फोन काफी सस्ते दिखने लगे और उन्होंने इन्हें खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही जब लोगों को फोन चलाने में अच्छा लगा तो उन्होंने एक दूसरे को भी बताया। ऐसे में उन्होंने किसी भी तरह की ज्यादा विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और चीनी मोबाइल ने आसानी से कुछ ही सालों में भारत पर कब्जा कर लिया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। दोस्तों, अगर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में है तो आपको अपडेट रहना जरूरी है। ऐसे में माइक्रोमैक्स ने अपने आप अपडेट नहीं रखा और वहाँ चाइना के फोन को ही रीब्रांड करके बेच रहे हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ना कभी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और ना ही कभी इनोवेशन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पर काम किया। वह चाइना में अपने फोन बनवा कर उन्हें रीब्रांडिंग करवा कर बेचते रहे। दोस्तों, अब एक बार फिर इंडियन मोबाइल कंपनीज ने फिर से वापसी करने का निर्णय लिया है और माइक्रोमैक्स ने तो अब जल्द ही 3 नए फोन लॉन्च करने का फैसला भी कर लिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतनी सारी कंपनियों के साथ यह वापसी कर भी पाएंगे या नहीं। और अगर आपको माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां क्यों फेल हुई यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।